एसओजी शाहजहांपुर और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कल एक बहुत ही शातिर गिरहकट और चोरों के गिरोह को उसके सरगना सहित एक गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये तमाम जगहों पर इन्होंने चोरी की वारदातें की हैं और इसका जो सरगना है सनी और हवा ये भी अरेस्ट हुआ है। इनके पास से दो चार पहिया वाहन और दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये यहाँ से चार पहिया वाहनों से मोटरसाइकिलों से अन्य जनपदों में जाते हैं या जनपद के अन्य इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे जहाँ व्यक्ति बैंक इत्यादि से या बाजार से कुछ रुपए लेकर चलता हो इनको अंदाजा लग जाता है और जैसे ही वो किसी ई रिक्शा में बैठता है या तो पहले उसको प्रलोभन ये देते हैं कि सवारी के रूप में उनको अपनी चार पहिया गाड़ी में बैठा लें, यदि ऐसा नहीं है वो ई रिक्शा में बैठ जाता है या किसी अन्य साधन से बैठता है तो उसके साथ में ही एक व्यक्ति बगल में बैठ जाएगा और मोटरसाइकिल से उस गाड़ी को कवर किया जाता है और उसका जेब काटने के बाद वो गाड़ी से उतर जाता है और मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। इस गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं एक मुठभेड़ में। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। तमंचों के स्रोत के बारे में जानकारी की गई है और उसके आधार पर भी कार्रवाई हो रही है। यहाँ थाना कोतवाली में इन्होंने 1 लाख रुपए ऐसे ही एक ई रिक्शा से एक व्यक्ति के सामने बैठकर और उसके बैग से निकाल लिए थे। थाना रोजा में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं और जनपद बरेली में भी 3-4 दिन पहले वहाँ थाना बारादरी में एक ऐसी ही वारदात हुई है जिसको इन्होंने स्वीकार किया है किया जाना। इनके जो मूवमेंट्स हैं उसके आधार पर भी बहुत सारे जनपदों में इनकी मूवमेंट्स हैं और उसके आधार पर अन्य जनपदों से भी इस इनके उसको साझा किया गया है। इन्होंने अपने खुद स्वीकारों में ये कहा है कि इनके द्वारा कई जगह पर इस तरह की जेब काटने की वारदातें की गई हैं और चूंकि ये अगर पेटी अमाउंट होता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो थाने तक भी नहीं आता है, इस वजह से बहुत सी ऐसी घटनाएँ अब तक थानों पर नहीं आई हैं प्रकाश में, लेकिन जो बड़ी अमाउंट चली जाए उसमें तो उसमें ज़रूर थाने पर अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे गैंग का सिजरा इसकी आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया है। यहुबा के विरुद्ध लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं पूर्व में ही और इसी तरह से इनके अन्य साथियों के विरुद्ध भी आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं जिनको संकलित किया जा रहा है। इनके विरुद्ध नियमानुसार थाना कोतवाली में संगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।